गाइस हो चुका है पूरा सिक्योरिटी चेक इन। अभी टाइम था अभी 9 बजे हैं, 10:50 की फ्लाइट है, तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं ऐसे। और सुंदर आ रहे यार मैं। गाइस पहुंच चुके हैं भाई 8:30 पर, 8:40 5 बजे के निकले। वैसे तो फ्लाइट बहुत आराम से है 10:50 की, पर वही खाते पीते टाइम हो ही जाएगा। गाइस हो चुकी है हमारी बोर्डिंग, 10 मिनट बाकी बिल्कुल नींद नहीं, पता नहीं सर क्या हो गया भाई, आंखों में बिल्कुल नींद थी ही नहीं। फिलहाल अभी मैंने शॉवर ले लिया है, 5:30 बजे करूँगी, कह नहीं सकते अभी, सिर्फ थोड़ा बहुत सनस्क्रीन वगैरह लगाऊंगी, मेकअप नहीं करूँगी भाई, बिल्कुल मन नहीं है। जल्दी तैयार इस वजह से हो रही क्योंकि हर बार मैं लेट हो जाती हूँ भाई, यहाँ से एयरपोर्ट जाने में एटलीस्ट 1.5 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटे, फिर ट्रैफिक वगैरह। आज तो सोच रही हूँ कि मेट्रो से जाऊँ, आपस पहले रेडी हो जाते हैं फिर आप लोगों से बात करते हो तो फ्री होते। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि लेट हो गया भाई। 5 बजे की उठी उठी घर पर 7:15 हो गए, पता नहीं चला कि कहाँ टाइम निकल गया, फटाफट निकलती हूँ यार लेट हो जाऊँगी। निकल चुकी हूँ मैं गाइस, मौसम सही हो रहा है अभी तो फ़िलहाल पता नहीं चल रहा। मैं मेट्रो से जा रही हूँ क्योंकि जो और मेरे सखी मित्र हैं वो सब लोग भी मेट्रो से ही आ रहे हैं। कैसे भी बन के आ जाओ, रैपिडो में आना मतलब मुंह का भूत बन जाना भाई, मतलब स्किन केयर की ना धजिया उड़ जाती है भाई, समझ सकते हो जो लड़कियां रैपिडो यूज करती है। चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। उतरते समय अपनी ढीली वस्तुओं जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। While boarding and alighting the trains, passengers are requested to take care of their loose items like saree, dupatta, dhoti and bag etc. यात्री DMRC दिल्ली। गाइस पहुंच चुके हैं भाई 8:30 पर, 8:40 5 बजे के निकले। वैसे तो फ्लाइट बहुत आराम से है 10:50 की, पर वही खाते पीते टाइम हो ही जाएगा। अरे लगेज रखवा देते हैं भाई, मेरी कमर टूट गई यार, अकेले ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है। गाइस हो चुका है पूरा सिक्योरिटी चेक इन, अभी टाइम था अभी 9 बजे हैं, 10:50 की फ्लाइट है, तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं ऐसे। और सुंदर आ रहे यार मैं, आ चुका है हमारा फ्राइड राइस एंड विद चिली पनीर, नो चिकन बिकॉज़ नवरात्रि चल रहे हैं। यस गाइज़, वहाँ से फ्री होने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ स्टारबक्स में कॉफ़ी लेने के लिए। तो गाइज अब ले ली है कॉफ़ी यार, अब चलते हैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, कार्ड ये है ना, पूरा सामान पकड़ ले भाई, 32। अच्छा भाई इन्जॉय में कमी नहीं जानी चाहिए। मेरा ना लाइनर ख़त्म हो रहा था और मुझे लाइनर चाहिए था नायका पे, देखिए नायका पे तो है नहीं, अभी उन्होंने बोला कि आगे लैक्मे है, आप लैक्मे में ट्राई कर लो, देखते हैं यार लैक्मे में मिलेगा तो अच्छी बात है। इनके पास वो नहीं है, मैं मैट लगाती हूँ, इनके पास मैट नहीं है, जेल वाला है, उन्होंने अगर मिलता तो ठीक है वरना फिर आप जेल ले लेना, बट मुझे जेल चाहिए नहीं सीरियसली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जेल, देखते हैं भाई लैक्मे में मिलता है कि नहीं। आज मौसम सामने ही नहीं दिख रहा है, चश्मा हटा भाई। अच्छा।
यहाँ देख लेते हैं भाई मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर राम राम जी कर देंगे। गाइस मेरी किस्मत ही ख़राब है, नायका पे भी आईलाइनर है ही नहीं भाई यहाँ पर। हुडा क्लिनिक यू बहुत सारे दो चार में थे नायका लक्स के अंदर, बट उनके पास है ही नहीं आईलाइनर, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना गोवा से ही परचेज़ कर लूँ, क्योंकि अब हमारा बोर्डिंग टाइम भी हो चुका है। 9:50 का बोर्डिंग था, 10:20 हो गए हैं और 10:40 का टेक ऑफ है, जाने में भी टाइम लगेगा, तो सोच रहे चले जाते हैं अब बाहर, बहुत घूम लिए, सारा पैसा यहीं खर्च हो गया ऐसा फील हो रहा भाई सच में। चलो अब चलते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। हो चुकी है हमारी बोर्डिंग, 10 मिनट हो चुके हैं, फाइनल कॉल आया है इकोनॉमिक क्लास में बिजनेस वाली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिट चुकी हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली विंडो सीट नहीं है आज मेरी, अलाइन कुछ ऐसा कहते हैं सीट को, पता नहीं भाई सोरी नींद आ रही है, सीधे गोवा में ही मिलती है। भाई आ चुका है अपना खाने का सौदा, वेज ली है नहीं नॉन वेज, चलो देखते हैं क्या है, बॉक्सिंग करते हैं। चुका है गाइस हमारा, क्या कहते हैं इसे, लैंडिंग जो भी कहते हैं सही। 20 मिनट हमारी फ्लाइट लेट थी भाई, 33 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, सोच सकते हो आप 33 डिग्री, अब दिन में तो कोई बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता। अब हमारे पहले सामान लेती हूँ अपना, फिर चलते हैं। स्कूटी वाले को फ़ोन कर दिया मैंने, आने वाले होंगे। गाइस आ चुका है मेरा लगेज फुल प्रोटेक्शन के साथ, मैंने लगा ली है सनस्क्रीन गाइस, वो आप पूछोगे कौन से, बता दूँ न्यूट्रोजना के लिए भी है, ये कोई प्रमोशन नहीं है यार, एज यू बस ऐसे ही बता दिया मैंने आप लोगों को। मेरी स्कूटी भी आ गई, चलो चलते हैं गोवा। गर्मी देख लो यार गोवा की पहले आप। नहीं नहीं हम, ओह माय गॉड भाई गर्मी, बस कम है। अब अपनी गड्डी निकल चुकी है सीधे कंडोली बीच के लिए, oh।
गोवा में 50 रुपए का, 60 रुपए बेच रहे हैं। रस्ते में खा लेंगे ना चलते चलते, अभी खा ले। कैसी है मलाई? तो अच्छी होती है नारियल की। तो बजे हमें अभी रूम देखा है, अभी हमने बहुत ही नॉर्मल रूम लिया हुआ है, हम कल लेंगे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। आपको मैं अभी रूम टूर करवा देती हूँ। खोला, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेस है, ये वॉशरूम है सेपरेटेड, ये मिरर है, ओके, और ये देखो दारू पीने के लिए ग्लास रखा है उन्होंने, खैर हम पीते नहीं है, तौबा तौबा। ये अलमीरा है, गद्दे दिए हुए हैं, ये लॉकर रखा हुआ है किसी को तिजोरी में पैसे की। देखो ये चिमटी भी रखी हुई है, चिमटी घर ले जाएंगे मम्मी के काम आ जाएगी यार, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। ये दीक्षा पांडे, ये बहुत ही सुपीरियर रूम है ये, और ये एक ही चेयर है क्योंकि मैं अकेली हूँ। गेट कैसे खुलेगा भाई? अच्छा, बट व्यू दिखाने लायक है नहीं। अब गेट पता नहीं कैसे खुलेगा, मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ काम चल रहा है, बस यही व्यू है। ठीक है, अब फटाफट से रेस्ट करते हैं फिर बाहर चलते हैं। भाई थकान हो गई यार सच में, इतनी धूप ना गोवा में कि क्या ही बताएं। इस शूज़ देखना, हल्की सी मिट्टी में पैर आया और शूज पूरे ऑरेंज हो गए, मिट्टी से ख़राब हो गए। एक तो मन कर रहा था कि लेके ना जाऊँ, चल छोड़ पैसा बढ़ा देता या स्वाद। डू नॉट डिस्टर्ब गाइस, क्योंकि सोना है। अब एसी चालू नहीं है यार, एसी कहाँ से चालू होगा इनका? मैं फाइनली गोवा पहुंच चुकी हूँ, 2 साल में तीसरी बार है मेरा ये गोवा। गोवा से नहीं, मेरा मन नहीं भरता, मतलब कितनी बार भी मैं गोवा आ जाऊँ ना मेरा मन करता है कि यार एक बार और चलता है, एक बार और चलता है। भाई फिलहाल फ्रेश होती हूँ, हाल आप देख सकते हो, सनस्क्रीन लगा लगा के आए हैं रास्ते। भाई गर्मी में मत आना सीरियसली। गाइज मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। खाने में मैंने मंगाया है बहुत ही सिंपल सादा खाना, रोटी दाल तड़का है, भिंडी मसाले वाली है और दाल फ्राई है। अभी करते हैं यार फिलहाल इस ब्लॉग को एंड, शाम को मिलते हैं आपको गोवा की सीरीज के साथ। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार दे देना। बाय बाय जी।